हमारे चैनल इनिशिएटिंग टेक पे। और दोस्तों आज हम जानेंगे एक लैपटॉप के बारे में, और ये लैपटॉप में मतलब जो मैंने अभी लैपटॉप आपने देखा, ये लैपटॉप आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, यार नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम ही लैपटॉप मैंने भी लिया है, बिल्कुल सेम लैपटॉप मेरे सर है उन्होंने भी लिया है। बस अंतर ये है कि इसमें इंटेल i3 लगा हुआ है और मेरे वाले में AMD Ryzen 3 लगा हुआ है। तो दोनों प्रोसेसर में अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट की सारी चीजें सेम है। तो मैं ज्यादा डेप्थ में आपको इस लैपटॉप के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ डिटेल्स बताऊंगा और ये लैपटॉप आपको चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले थे इस लैपटॉप के बारे में। दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, जो भी इसके अंदर जो की डिफरेंसेस आते हैं, जो मैंने इससे पहले लैपटॉप दिखाया था उस वीडियो का मैं ऊपर आई कार्ड प्लस नीचे लिंक देख रहा हूं। अगर आपको पूरी लुक्स की डिटेल चाहिए, मटीरियल की डिटेल चाहिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं उस वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। तो ये लैपटॉप यार देखने में बिल्कुल सेम है, मैं फिर से बता देता हूं, देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम है। अंतर क्या आता है कि इसमें इंटेल का i3 लगा हुआ है 7100, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इंटेल की HD ग्राफिक्स है जो कि 620 वाली है। और बात करें दूसरे डिफरेंस की तो बस ये उसमें AMD Ryzen 3 लगा हुआ है और उसकी जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो 1100 MHz की है, ये सिर्फ 300 MHz की है। तो मेरा एक रीजन था उसको इसलिए भी चुनने का, क्योंकि जो 1100 MHz की ग्राफिक्स है वो मुझे एडिटिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता था, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें दोनों ही लैपटॉप में M.2 स्लॉट मिल जाता है, जिसमें कि आप SSD SATA लगा सकते हैं दोनों, मतलब 120GB या 240GB, whatever आपके पास जिस हिसाब से बजट हो वो आप इसमें लगा सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए। प्लस इसमें दोनों में 4GB RAM है, दोनों में DDR4 4GB RAM जैसे बताया, दोनों में 1TB हार्ड डिस्क जो 5400 RPM पे रन करती है, और मतलब सब कुछ बिल्कुल सेम था, बस प्रोसेसर का अंतर आता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो एक अंतर आया है इस लैपटॉप से उस लैपटॉप में, कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट है वो इसमें आपको पेड नहीं मतलब फ्री में नहीं मिलता है, उसमें आपको फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी। दोनों में हैप्पी न्यू ईयर ऑफर HP दे रहा था, यानी कि प्लस 1 साल की एक्सीडेंटल डैमेज और 2 साल की एडिशनल वारंटी, तो ये हैप्पी न्यू ईयर दोनों में ऑफर है। स्क्रीन फुल HD उसकी भी इसकी भी, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ग्रिल जहां पे होनी चाहिए, जो इसका हिंज है, उसके बटन्स हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो देखनी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक और ऊपर आई कार्ड देखने को मिल जाएगा, वीडियो वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसकी कोई और अंतर जो है छोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इस वीडियो में कुछ नहीं है। आप बात करते हैं कि आपको ये चुनना चाहिए कि वो चुनना चाहिए, यार अगर आप इंटेल के फैन हो, परमानेंट इंटेल यूज करते आए हो, तो आप इसको चुन सकते हो। i3 एक अच्छा प्रोसेसर है, इस बजट में 33,600 रुपए का ये लैपटॉप है। और अगर आप AMD कुछ नया करना चाहते हो, कुछ हाई ग्राफिक्स एंड लो बजट में यूज करना चाहते हो लैपटॉप हाई ग्राफिक्स साथ, तो आप AMD Ryzen 3 भी चुन सकते हो, ठीक है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की ये सब चीजें, तो जो उन्होंने उसमें फ्री इंस्टॉल दी है, इसमें नहीं दी है, दोनों में विंडोज 10 जो है प्री इंस्टॉल्ड है, होम वाला 64 वाला, ठीक है। तो सब कुछ जो है मैंने आपको अब इस वीडियो में डिटेल दे दी है, और कुछ और भी आप जानना चाहते हो नीचे बेधड़क होकर कमेंट करो, रिप्लाई मेरा हमेशा आता है अगर आप मेरी ऑडियंस हो, और अगर आप मेरी ऑडियंस बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा जरूर दबा लो ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कर दो, और साथ ही साथ बड़ों का ख्याल रखो, आस पास सफाई रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। थैंक यू।